गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 10, 10th क्लास के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट इन केस ऑफ पावर। सो इज दिस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो हमने इससे पहले किसके बारे में डिस्कशन किया था, करंट के बारे में डिस्कशन किया। हम करंट के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। हमने करंट के बाद डिस्कशन किया व्हाट इज टाइम एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस। सो इनके बाद हमने क्या बताया था कि जब भी किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो करने की वजह से वो कंडक्टर हीट अप हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है। और जब भी करंट टाइम के कॉरस्पॉन्डिंगली अगर फ्लो करता है तो ईच कंडक्टर हैविंग देयर ओन रेजिस्टेंस। सो हर कंडक्टर का अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है। और मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। सो दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। और हमने बताया कि अगर यहां से करंट यहां तक अगर फ्लो करेगा सो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, और वर्क डन को हम W से डिनोट करते हैं। सो W इज इक्वल टू E। इसका मतलब है मीन्स ऑफ दैट वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कि वर्क डन हमेशा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, और दोनों की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है। राइट, इतना हम डिस्कस कर चुके थे पहले लेक्चर में। उसके बाद ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने ओम्स लॉ को भी स्टेट किया, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है आई इंटू आर। सो यहाँ पे वी किसको डिनोट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। राइट, और आई किसको डिनोट करता है, करंट को, और आर किसको डिनोट करता है, रेजिस्टेंस को। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट थी वो हमने डिस्कस की थी वोल्ट। राइट, उसके बाद जब भी मैंने अभी अभी डिस्कस किया कि जब भी किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करता है तो वायर गर्म हो जाती है, वायर हीट अप हो जाती है। सो ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, किसकी वजह से, करंट की वजह से, थ्रू आउट अ वायर इट्स गेटिंग हॉट, तो वायर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इसी के अकॉर्डिंग देखिए तीन टॉपिक ऐसे हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। पहला आपने करंट को डिस्कस किया, दूसरा टाइम को, और तीसरा रेजिस्टेंस को। तो एच जो है, एच यहाँ पे किसको डिनोट करता है, हीटिंग इफेक्ट को। सो एच क्या है, हीट एनर्जी। क्या है ये, हीट एनर्जी। सो एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, आई के। एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टाइम के। और एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेजिस्टेंस के। और यहां से मैंने इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 तीनों को क्लब कर दिया, और क्लब करने के बाद मेरे पास मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला आया, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, हीटिंग इफेक्ट इन केस ऑफ पावर। सो पावर, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पावर होती क्या है। देखिए इससे पहले हमने डिस्कस किया कि हम जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर देते हैं, सो फोर्स की वजह से कोई चीज क्या करेगी, डिस्प्लेस कर जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं वर्क डन। सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी चीज एनर्जी क्या होता है, किसी भी वर्क को करने की कैपेबिलिटी और एबिलिटी जो होती है उसी को मैं एनर्जी बोलता हूँ। सो एनर्जी इज द कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं हम पावर की। पावर की बात क्या है, सपोज कीजिए मैं स्टेयर चढ़ गया, मैंने वर्क डन किया, मैं स्टेयर चढ़ सकता हूं, ये मेरी एनर्जी है। लेकिन मैं स्टेयर एक मिनट के अंदर चढ़ सकता हूं, ये मेरी पावर है। यानी आप अपने वर्क डन को कंप्लीट करेंगे विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो आप इसको बोल सकते हो, पावर को हम क्या बोल सकते हैं, पावर इज द रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो P इज इक्वल टू W बाय T। सो पावर की हम यूनिट अगर करना चाहें, P इज इक्वल टू W बाय T। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। सो इसकी हम यूनिट बोल सकते हैं जूल पर सेकेंड। लेकिन जब मैं बात करता हूं एस आई यूनिट की, सो एस आई यूनिट क्या होगी, इसकी वॉट। क्या होगी, वॉट। सो हम इसके बारे में
भी डिस्कस कर चुके हैं कि पावर होता क्या है, राइट। सो अब हम इसकी आगे की तरफ इस फॉर्मूले को लेके चलेंगे। सो हमने किया कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है। मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन बोल देता हूँ इसको, और इक्वेशन नंबर वन को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम। सो पी की जो वैल्यू होती है, पी की वैल्यू होती है पी इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू आई स्केयर आर इज इक्वल टू वी स्केयर बाई आर। तो इनमें से मैं क्या कौन सी वैल्यू पुट करूंगा, आई स्केयर आर। सो आई स्केयर आर को मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा, सो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। सो डब्ल्यू क्या है मेरी, वर्क डन, और वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी की फॉर्म में। एनर्जी क्या है मेरी, हीट एनर्जी। सो एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। सो ये हो गया आपका हीटिंग इफेक्ट इन केस ऑफ पावर। जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं, हमने करंट के बारे में डिस्कशन किया, रेजिस्टेंस के बारे में, टाइम के बारे में। करंट की यूनिट एम्पियर होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, सिंबल ये दिया हुआ है। उसके बाद वर्क डन, वर्क डन की और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। अगर वर्क डन को हम करते हैं तो वर्क डन हमेशा किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। वी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, आर का मतलब रेजिस्टेंस, और आई का मतलब करंट। जब भी किसी भी वायर के अंदर से करंट फ्लो करता है तो वायर हॉट हो जाती है, और वायर का गर्म होना ही क्या कहलाता है, हीटिंग इफेक्ट कहलाता है। सो हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्केयर ऑफ करंट के। हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टाइम के। और हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेजिस्टेंस के। यहां से हमने तीनों ही फॉर्मूले को क्लब किया, एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी, और यही फॉर्मूला हमें किसके केस में निकालना है, पावर के केस में। सो P इज इक्वल टू हमने क्या दिखा, W बाई टी। वर्क डन हम पढ़ चुके हैं पहले, ये एक रिकैप था। W इज इक्वल टू F इनटू S होता है। पावर किसका रेशियो होता है, वर्क डन का और टाइम का, ऑलरेडी गिवन है। सो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, जूल पर सेकेंड, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट। सो यहाँ पे W क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर वन को, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। P की तीन फॉर्मेशन होती है, P इज इक्वल टू वी आई, आई स्केयर आर और वी स्केयर बाई आर। सो यहीं से हमने क्या किया, आई स्केयर आर यहाँ पे P की वैल्यू पुट करते हैं, और ये क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। और यहीं पे एनर्जी की फॉर्म में कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी। सो इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। सो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।